चलो, हम लोगों ने कवर किया था अपने लास्ट वीडियो में मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड। इस वीडियो में लेकर आया हूं मैं आपके लिए हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। जी हाँ, जैसे मैंने आप लोगों से वादा किया था, दोनों वीडियो बैक टू बैक लेके आऊंगा, तो इसमें मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। एंड आई एम क्वाइट श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद आपको भी इस मेथड में कोई डाउट नहीं बचेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। सर, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अपने, उसके बाद इस मेथड के बारे में डीप में समझाता हूं तुम लोग को, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। सर, क्या ये क्वेश्चन हमारी बुक का है? नहीं बाबा, नहीं। मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड तो बुक का था, ये क्वेश्चन बुक का नहीं है सर। ये क्वेश्चन एक आपको समझाने के लिए कि इस मेथड में करना क्या है, ठीक है? इसके बाद हम लोग बुक का क्वेश्चन भी ले लेंगे। चलो, रिम्मी सिम्मी राखी, क्या बोला? वेर पार्टनर्स इन अ फर्म, तीन पार्टनर है, रिम्मी सिम्मी और सर। रिम्मी का रेशियो है 5, सिम्मी का है 3 और राखी का है 2। मैं यहाँ पे अच्छा से लिख देता हूं सर, रेशियो है 5:3:2। ओके सर, उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है सर, सबसे पहले, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर ये कैपिटल। आपको इतना तो पता है ना किस प्रायोरिटी में चुकाना है आपको। क्रेडिटर्स को चुका दोगे, फिर पार्टनर के लोन को चुका दोगे, और फिर कोई अगर एक्सपेंसेस होता तो डिसोल्यूशन के खर्चे पहले चुका देते हैं, कोई अगर गवर्नमेंट का ड्यूज होता तो वो भी चुकाना पड़ता पहले, उसके बाद ये सब लोन फोन चुकता। मेरा बात समझ लो, पहले गवर्नमेंट का ड्यूज चुकाएंगे, उसके बाद कोई डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वगैरह वो सब भी चुकेगा, उसके बाद क्रेडिटर्स, उसके बाद लोन फोन चुक जाएगा, ठीक है? अच्छा, उसके बाद फर्नीचर दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है, डेटर दिया हुआ है, कैश, कैश पड़ा है, कितना पड़ा है, ये यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना, ठीक है सर। उसके बाद आ जाओ सर, कैसे कैसे एसेट्स रिलाइज हुआ, देखो कैसे कैसे एसेट्स रिलाइज हुआ। सबसे पहले स्टॉक को बेच के कितना मिला, डेटर से कितना मिला, फर्नीचर से कितना मिला, लेकिन सर कुछ खर्चा भी लग गया, कितना लग गया? तो एक चीज बताओ ना मेरे को, स्टॉक से, डेटर से, फर्नीचर से, तीनों जोड़ के बताओ तो मिला कितना? 25,000 मिला क्या? चेक करो, 12,000, 10,000, 22,000, 22,000 और 3,000, लेकिन एक जगह खर्चा भी तो लग गया, तो मैं क्या मान लूं कितना मिला? तो एक काम करो, इसको शॉर्ट में अपने लिख लेते कितना मिला। दूसरा देखो, तो स्टॉक से 12, डेटर से 10, 22,000, लेकिन कुछ खर्चा फिर से लग गया ना, कितने का? 1,600 का, तो क्या मानू? यही मान लो कि फाइनली यही रियलाइज हुआ, तो ये सब को देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। थर्ड में स्टॉक से 16,000, डेटर से 30,000 और फर्नीचर से 4,000, टोटल 50, लेकिन कुछ खर्चा भी तो लग गया, कितने का? तो भाई मेरे मान लो ना कितना मिला, 47,000, ठीक है? ये जुलाई 31 में मिला, जून 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 में मिला, ठीक है? अगस्त में कितना मिला, 10 और 4 14 माइनस 1 कितना? तो मैं ची बोलू, मेरे पास अब ये सब डेटा भाड़ में जाए, ये सब डेटा भाड़ में जाए, मेरे को फाइनल डेटा मिल गया, इतना इतना रियलाइज हुआ। अब अप्रैल में मानूंगा 24,000 मिला, जून में कितना मानूंगा, 20,400, जुलाई में कितना मानूंगा, 47,000 और अगस्त में कितना मानूंगा, 13,000 हो गया। बोला है कैश रिसीव हो रहा है और सबको पेमेंट हो रहा है, दिखाओ कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा कैश। मेथड मैंने बोल दिया कौन सा, एक चीज बुरा मत मानना प्लीज, प्लीज बुरा मत मानना। देखो क्या होता है ना, हम लोग मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड में एक फॉर्मेट फॉलो करते थे, पर्टिकुलर जो जो इसमें वही फॉर्मेट है, तो इसमें बुरा मानने का कोई बात ही नहीं, यू शुड बी हैप्पी कि फॉर्मेट क्या है, सिंपल, ठीक है? स्टेटमेंट शोइंग, लेकिन मेथड अलग है, पहले ही बोल दे रहा हूं, स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। मैं अपना पूरा फॉर्मेट इतना मैं कवर कर लूंगा, तुम लोग पूरा पेज ले लेना, ठीक है? क्या लिखेंगे सबसे पहले, पहले तो सबसे पहले पर्टिकुलर्स लिख लेंगे क्या? पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद क्या लिख लेंगे सर, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के बाद रिम्मी का भी लोन है और, तो एक काम करते हैं सर, यहाँ पे लिख लेते हैं रिम्मी लोन, और क्या लिख लेते हैं सर, सिम्मी का भी लोन है ना, और पम्मी का भी है क्या? पम्मी का नहीं है, ठीक है, पम्मी है ही नहीं क्या, और आखी, अच्छा चलो, और ये कैपिटल हो गया ना, कुछ कैपिटल रिम्मी का है, सिम्मी का, राखी का, कुछ कैपिटल सिम्मी का है,
और कुछ कैपिटल राखी का है, राखी सावंत का है। ठीक है, ये फॉर्मेट ड्रॉ कर लो पहले, तो फॉर्मेट ड्रॉ कर लो, फॉर्मेट ड्रॉ कर लो। पर्टिकुलर्स, क्रेटर्स, रिम्मी रो लोन, सिम्मी रो लोन, रिम्मी कैपिटल, सिम्मी कैपिटल, राखी कैपिटल, रिम्मी सिम्मी राखी, रिम्मी सिम्मी राखी, रिम्मी सिम्मी राखी, रिम्मी सिम्मी और राखी। ठीक है, डन। चलो सर क्वेश्चन में बहुत नहीं लिखा था, हाउ कैलकुलेशन कैसे मेथड, मैंने बोल दिया क्योंकि ये लोग अभी कॉम से बुक है, अभी कॉम में खाली वही मेथड चलता था, ऐसे एग्जाम में बोल देगा। ठीक है, एग्जाम में बोल देगा। ठीक है, चलो आओ, सबसे पहले बैलेंसेस लिख लो। क्या लिख लो? बैलेंसेस बैलेंसेस लिख लो। 40,000, क्रेटर्स का कितना है? 40,000, 40,000। उसके बाद 16,000, 16,000, 12,000, 12,000 30,000, कैपिटल ना, हाँ रिम्मी का कैपिटल 30,000 है, हाँ सर 24,000, सिम्मी का 24,000, और राखी का। 6,000, ठीक है, ये हो गया बैलेंस। सबसे पहले एक चीज बोलूं, हाँ सबसे पहले तो कुछ कैश था वो रियलाइज कराओ, कितना था? 4,000, 4,000। तो सबसे पहले आउटसाइड लायबिलिटी को चुकाएंगे, कैश 4,000 है ना, और अब चुकाने के बाद क्रेडिटर्स कितना बच जाएगा? 40,000 में 4,000 चला गया ना, तो क्रेडिटर को चुका दिया, लेकिन अभी वापस वैसी की वैसी रिम्मी का लोन का फिगर रह जाएगा, सिम्मी का फिगर भी वैसे ही रह जाएगा, रिम्मी सिम्मी का फिगर सेम रहेगा, राइट। उसके बाद बाकी सब फिगर भी सेम ही रहेगा, कैपिटल भी, तो अभी खाली कितना चुकाया है? 4,000। अब नेक्स्ट क्या मिला है? पैसा मैंने शॉर्ट में लिख दिया, फर्स्ट लेशन से कितना मिल गया? ये 24 पहले किसको चुकाओ वापस से, क्योंकि बाहर वाले को पहले सल्टाना है ना, क्रेडिटर्स को चुका दो 24,000। लेकिन अब दुख का बात है, क्रेडिटर और बच जाएगा फर्स्ट लेशन। ठीक है, फर्स्ट लेशन पेड टू क्रेडिटर्स कर दो, पेड टू क्रेडिटर्स। हाँ, क्रेडिटर्स तो 12 बच जाएगा, और इसका मतलब सर बाकी का फिगर्स वैसे का सेम लिखना पड़ेगा वापस, बार बार नीचे बोल दे रहा हूं, लिखना पड़ेगा। ठीक है, सब वापस लिखना पड़ेगा नीचे, क्लियर। नेक्स्ट क्या है सर? सेकंड रिलेशन कितने का हुआ है? एक मिनट ध्यान से सुनना प्लीज, यहां पे प्लीज सुनो ध्यान से, पे अटेंशन। मैं जानता हूं 20,400 हुआ है ना, पहले मैं 12,000 चुकाऊंगा, तो इस 20,400 में एक काम करते हैं, 20,400 को दो भाग में बांट लो, अप टू 12,000, और कितना बच जाएगा? 8,400 अलग बच जाएगा ना, मेरा बात समझा? 20,400 मिला था तो उसमें पहले तो ये 12,000 यही यूटिलाइज करो, क्लियर हो गया यहीं पे, और कितना बच गया? माय डियर स्टूडेंट, अब ये 8,400 को रिम्मी और सिम्मी के लोन में बांटना है, तो अगर तुम पहले रिम्मी को देगा रिम्मी झगड़ा करेगी, सिम्मी को देगा सिम्मी झगड़ा करेगी, इससे अच्छा लोन का जो रेशियो है ना उसमें बांट दो। लोन का रेशियो कितना है? 16,000 और 12,000 रेशियो काट लो, क्या रेशियो आ रहा है? 4:3 आ रहा है ना, अरे 16,000 और 12,000 में बांट दो ना, इस रेशियो में बांट दो, ये 8,400 को दोनों में बराबर बराबर रेशियो बांट दो, 400 झगड़ा करेगी ना, मेरा लोन का क्यों भरपाई होगा, कल को पैसा नहीं बचा तो सिमी बोलेगी मेरे को तो नहीं मिलेगा, इसीलिए दोनों का लोन को, तभी तो हम लोग कैपिटल में वही करते हैं ना, कि कैपिटल में पहले पूरा रिम्मी को देते हैं, सिम्मी को देते हैं, बस एक का लोन रहता तो एक को दे देते हैं, बट लोन दोनों का है ना, झगड़ा हो जाएगा, लोन एक का है तो दोनों का क्या हो जाएगा सर? झगड़ा हो जाएगा, समझा मेरा बात? घर में चॉकलेट आता है तो दो भाई लोग झगड़ा करता, बहन लोग झगड़ा करती है ना, तो मम्मी बोलेगी ठीक है रुक, जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा मिलेगा, कम करेगा उसको कम मिलेगा, होता है तो, समझा ना? ठीक है, चल 8,400 को लोन का रेशियो 16:12 दिख रहा है ना रे, इसको और छोटा कर दो ना भाई, 4:3 बांटो, तो 8,400 को 4:3 में बांटो, लोन का रेशियो में बांट दो, कितना? 4,800 आएगा, पहले वाले का 4,800 आएगा, 3,600, तो इससे क्या हुआ? थोड़ा चुक गया, दोनों के चुक गया ना, दोनों के चुक गया, दोनों के चुक, हमारे 10 मिनट, दोनों के चुक गया, राइट, दोनों का ही चुक गया।
ठीक है। अब इसका मतलब क्रेडिटर्स कुछ बचा क्या? नहीं, नहीं बचा। लेकिन रिम्मी का लोन आज भी बच गया हमारे बीच में, रिम्मी की लोन की यादें आज भी बच गई कितनी? 11,200। और सिम्मी का लोन भी बच गया 8,000। बाकी कैपिटल तो आज भी वैसे का वैसा ही है, कैपिटल तो आज भी वैसे का वैसा ही है। कोई दिक्कत है नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज मैक्सिमम लॉस में भी ध्यान रखोगे, लोन वगैरह ऐसे ही बटेगा। सुना क्या? मैक्सिमम लॉस मेथड में भी लोन रियलाइज करा के बांटोगे ना, ऐसे ही बांटोगे रेशियो में। चलो अब उसके बाद थर्ड लेसन कराओ ना भाई। थर्ड लेसन कितने का हुआ? 47,000 का है। तो पहले सुनो, अप टू लोन अलग रखो, 47,000 है ना। थर्ड लेसन चेक करो, ये रहा दिखा, उसमें लोन कितना चुकाना पहले देख लो, तो दोनों का भी कितना बाकी है लोन। लोन 19,000। एक मिनट सुनो, 47,000 मिला है तो उसमें 19,600 अलग कर लो, और बाद बाकी क्या बच गया वो बताओ मेरे को। बाद बाकी बच गया 27,400, चेक करो तो एक बार। 47,000 है तो उसमें 19,600 अलग कर लो, 19,600 अलग कर लो, और 27,400 बचाओ 47,000, उसको अलग रखो अभी, उसको अलग रखो अभी। 27,400 कैसे समझा ना? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले 19,600 को बांट दो, अब तो आंख बंद करके पूरा दे दो, अब तो रेशो का जरूरत नहीं है, पूरा ही चुक जाएगा। पूरा नहीं चुक रहा था इसलिए रेशियो में दिया, अब तो 19,600 आसानी से चुक जाएगा। तो मैं बोलता हूं इसको पूरा दे के खत्म कर दो, इसको भी पूरा दे के खत्म कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन 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 अब जो बच गया पैसा कितना, वो पहले रिम्मी को दे या पहले सिम्मी को दे या पहले उसका वर्किंग नोट बनेगा। और ये नया मेथड है तो इसका मेथड भी अलग होगा। बस अभी तक कहानी सेम जा रहा था ऑलमोस्ट, अब ये मेथड अलग है तो भैया वर्किंग भी अलग होगा। समझा मेरा बात? इसका वर्किंग एक ही बार बनेगा और अच्छा से बना दूंगा मैं, तुम लोग मेरे को फॉलो कर लेना ठीक है। वही वाला वर्किंग याद है ना? बस ठीक है ना, ना ठीक है। अब सुनो, मेरा काम पेंडिंग है यहाँ पर ठीक है। ये 27,400 बांटेंगे, बट कैसे बांटेंगे भी पता नहीं है ठीक है। हेडिंग दो, इसका वर्किंग नोट बनाएंगे सर ठीक है। इसका वर्किंग नोट बना लो सर, वर्किंग नोट बना लो। इस वर्किंग का नाम दे देना सर, इस वर्किंग का नाम दे देना सर, स्टेटमेंट शोइंग एब्सोल्यूट सरप्लस, स्टेटमेंट शोइंग एब्सोल्यूट सरप्लस। क्या लिखेगा सर? स्टेटमेंट शोइंग एब्सोल्यूट सरप्लस। स्टेटमेंट शोइंग एब्सोल्यूट सरप्लस, ओके ठीक है ना। सुनो ध्यान से, प्लीज 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 सुनो। सबसे पहले आप एक चीज चेक करो, ए का कैपिटल, एबीसी नाम है क्या? नहीं, क्या नाम है? तो रिम्मी सिम्मी राखी का कैपिटल कितना कितना था? पूरा अलग अलग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, अलग अलग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स था ना, कितना बोला? ये रिम्मी का, ये सिम्मी का और ये राखी का ठीक है। कितना कितना बोला सर? 30,000 रिम्मी का, अपनी सिम्मी का 24,000 और अपनी राखी का 6,000। ये तो ठीक है, 30, 24 और अच्छा एक चीज बताओ, सबसे ज्यादा कैपिटल कौन लगाया? फिर सिम्मी फिर। लेकिन तुम एक चीज देखो, रेशियो भी तो अलग अलग होगा इनका। पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना कितना था? 5:3:2। ये रहा क्वेश्चन, इसमें देखो मिल जाएगा, मैंने अलग से लिख दिया था वहां पे, था ना 5:3 और टू। कोई दिक्कत नहीं, पक्का 5:3:2, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज बताओ, रिम्मी पांच हिस्सा मिला उसको, 10 में से टोटल 10 हिस्सा है, 5+3+2, पांच हिस्सा के लिए कितना लगा रही है? तो एक हिस्सा के लिए कितना लगाएगी? 6,000। पांच हिस्सा के लिए 30,000, तो एक हिस्सा के लिए, जैसे ये सिम्मी 24,000 लगा रही है कितना हिस्सा के लिए? तो एक हिस्सा के लिए कितना लगाएगी? 8,000, 24,000 / 3। राखी दो हिस्सा के लिए 6,000 लगा रही है, तो एक हिस्सा के लिए कितना है? 3 ना,
तो इसको बोलते हैं बेस कैपिटल। क्या बोलते हैं? लिख लो बेस कैपिटल। कैसे आया सर? अगर मैं इसको वन का नाम दूं और इसको टू का नाम दे दूं तो वन डिवाइड बाई टू आ गया ना बेस कैपिटल। ऐसे याद रहेगा कि बेस कैपिटल कैसे आया। और बेस कैपिटल का मतलब होता है हर एक हिस्से के लिए कितना पैसा लगा रहे तुम। 6000, 8000 और 3000, ये आ गया बेस कैपिटल। क्या आ गया सर? बेस कैपिटल। इसका मतलब सर हर एक हिस्से के लिए, हर एक हिस्से के लिए सर रिम्मी ने लगाया 6000, सिम्मी ने लगाया 8000 और राखी ने लगाया। अब ध्यान से सुनना प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब तक ऐसा लग रहा था कि रिम्मी का सबसे ज्यादा है, लेकिन तुम समझो ऐसे सबसे ज्यादा रिम्मी का नहीं है, बेचारी सिम्मी का है। सिम्मी एक हिस्सा के लिए कितना लगा रही है? 8 है। वही रिम्मी लगा रही है एक हिस्सा के लिए, तो कहीं ना कहीं सिम्मी ने ज्यादा कुर्बानी दिया, राइट। सिम्मी बिचारी को केवल 3 हिस्सा मिल रहा था, उसके लिए वो 24000 लगाई है, और रिम्मी 5 हिस्सा के लिए 30 लगाई है ना। तो कहीं ना कहीं सिम्मी का कैपिटल सबसे ज्यादा हो रहा है, कि कहीं ना कहीं एक हिस्सा के लिए सबसे ज्यादा कौन लगा रहा है, ठीक है। अब अपने को बनाना पड़ता है बेटा रिलेटिव कैपिटल। क्या बनाना पड़ता है सर? ये कैसे बनता है सुन लो, प्लीज सुन लो। सबसे पहले देखो बेस कैपिटल सबसे कम किसका है? राखी का। उसको सर्कल कर लो, याद रहेगा। मैं यहां लिख देता हूं तुम लोग के लिए सबसे कम वाला, तो याद रहेगा तुमको सबसे कम, ठीक है, सबसे कम। अब एक चीज समझो, क्या बोला मैंने, राखी को मैंने बेस बना लिया, जिसका सबसे कम उसको क्या बना लिया, राखी का बेस बनाया कितना 3000। उससे एक चीज समझो, राखी अगर एक हिस्सा के लिए 3000 लगाती है ना, राखी एक हिस्सा के लिए, यही तो मतलब हुआ, राखी एक हिस्सा के लिए कितना लगाई। तो अगर अगर रिम्मी को भी, रिम्मी को भी राखी के बेसिस पे लगाना पड़ता, रिम्मी का शेयर कितना दिख रहा है तुमको, तो रिम्मी अगर राखी के हिसाब से लगाती, राखी एक हिस्से का 3000 लगा रही है, तो 5 हिस्से का कितना लगाती, 15000, नहीं समझा? अरे एक हिस्सा के लिए 3000, तो 5 हिस्सा के लिए, तो रिम्मी को 15000 लगाना पड़ता कि नहीं लगाना पड़ता। अब ये राखी 3000 लगा रही है एक हिस्से के लिए, अगर सिम्मी राखी के हिसाब से चले तो 3 हिस्सा के लिए कितना लगाती वो, 9000, है ना। और राखी का तो वही है, एक हिस्सा के लिए 3000, तो 2 हिस्से के लिए है ना उसका कितना, 6000। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब समझो, इस लाइन में पार्टनर बोल रहा, रुक मैं तेरे बेसिस पे अपना कैपिटल चेक करता हूं। तो रिम्मी ने चेक किया, रिम्मी बोला तूने एक हिस्से का कितना लगाया था राखी, तो मैं तो, मेरे को तो 3000 × 5 लगाना चाहिए था, कितना, 15000। लेकिन फिर रिम्मी पता है क्या बोल रहे, रिम्मी क्या बोल रहे, रिम्मी बोल रहे मेरे को लगाना कितना चाहिए था, लेकिन रिम्मी बोल रहे अरे भाई मैंने लगाया कितना, रिम्मी ने ज्यादा लगा दिया, कितना ज्यादा लगा दिया, 15000। फिर सिम्मी बोल रहे अरे रुक रुक रुक, मेरे को कितना लगाना चाहिए था राखी के हिसाब से, लेकिन मैंने लगाया कितना, ये भी तो ज्यादा लगा दी, एक हिस्सा के लिए 9000 लगाना चाहिए, एक हिस्सा के लिए 3000, तो 3 हिस्सा के लिए 9000 लगाना चाहिए था उसको, तो भाई लेकिन लगा कितना रही है वो, 24000, तो यानी वो भी ज्यादा लगा दे रही है। और राखी का तो कुछ नहीं, राखी को लगाना कितना चाहिए था, और लगाई भी कितना है, 6, तो राखी का कोई ज्यादा नहीं है, राखी का जितना होना चाहिए था उतना ही है। तो ये जो है ना रिलेटिव कैपिटल के बाद, उसको बोलते हैं सरप्लस कैपिटल। क्या बोलते हैं? सरप्लस कैपिटल। क्या बोलते हैं सर? एक बार सुन लो प्लीज, सरप्लस कैपिटल कैसे आया? रिम्मी को लगाना कितना चाहिए था, लगाई कितना, कितना ज्यादा लगा दी। सिम्मी को लगाना कितना चाहिए था, लगाई कितना, लगाई कितना, 24, लगाना चाहिए था कितना, 9, लगाई एक्स्ट्रा लगा दी कितना, इसका तो कोई एक्स्ट्रा ही नहीं, 6000 और 6000 कितना आ गया, डैश। तो ये आया सरप्लस कैपिटल। सरप्लस कैपिटल कैसे समझा सर? सरप्लस कैपिटल आया जो कैपिटल ऑफ पार्टनर है उसमें रिलेटिव कैपिटल माइनस कर दिया मैंने। क्या माइनस कर दिया? रिलेटिव कैपिटल। अभी तक ये फॉर्मेट कंप्लीट नहीं, अभी तक चार चीज हुआ, सुनो इस चार चीज को मैं वापस वापस समझा दे रहा हूं, प्लीज कैसे समझाऊं एक बार देखो इधर प्लीज, इस चार्ज को वापस समझा दो। मान लो 3 पार्टनर है, दृष्टि है, रिया है और तस्मिया है, ठीक है। दृष्टि का कैपिटल है 20000, रिया का कैपिटल है 10000 और तस्मिया का कैपिटल है 6000। इनका रेशियो मान लो 5:2, तो दृष्टि 5 हिस्सा के लिए कितना लगा रही है, तो दृष्टि को एक हिस्सा के लिए कितना लगाना चाहिए, 4000 लगाना चाहिए। रिया, रिया का मैं 4 ले लेता हूं, थोड़ा इजी हो जाएगा। रिया 10000 लगा रही है कितना हिस्से के लिए, तो रिया को एक हिस्से के लिए कितना लेना चाहिए, 2500। तस्मिया 6000 लगा रही है कितना हिस्सा के लिए, तो एक हिस्से के लिए कितना लगाएगी,
सबसे कम किसका? सॉरी, रिया का सबसे कम है कितना? 2500, राइट। रिया का सबसे कम आ रहा है तो कितना है रिया का? 2500। तो मैं क्या करूंगा बता, रिया को बेस बना लूंगा। क्या बना लूंगा? रिया को बेस। रिया को क्या बना लिया? क्योंकि जो सबसे कम आ रहा है मतलब वही सबसे ज्यादा घटिया पार्टनर है, वो एक हिस्से का सबसे कम लगा रहा है, तो चेक कर लेंगे बाकी दूसरे पार्टनर कितना एक्स्ट्रा लगा रहे हैं। अभी देखो मैंने रिया को बेस लिया तो अब रिया को कोई सरप्लस नहीं निकलेगा, मगर आपको और तस्मिया का जरूर सरप्लस निकल जाएगा। कैसे? रिलेटिव माना तो अभी रिलेटिव निकालूंगा मैं, ये तो बेस कैपिटल होगा। क्या हो गया? अब रिलेटिव देखो, रिया को बेस माना, रिया का एक हिस्से के लिए कितना आ गया? 2500। तो अगर आप बोल रहे हो रिया को रुक, रिया मैं देखती हूँ तेरे हिसाब से, अगर मैं लगाती तो आपका कितना हिस्सा है, और रिया को बेस बना रहे हो तो एक हिस्से के लिए 2500, तो आपका पांच हिस्सा के लिए कितना हो जाता? 12500 होता। अब रिया का तो 2500 इंटू क्या रहेगा उसका? तो चार, उसका तो 10000 आएगा। तस्मिया का 2500 के बेसिस पे उसका शेयर कितना है तस्मिया का? 2 है ना, तो एक हिस्से के लिए 2500, दो हिस्से के लिए कितना आ जाएगा? 5000। अब देखो कैसे सरप्लस आया, आपने लगाया कितना? लगाना चाहिए था कितना एक्स्ट्रा है? कितना है? 500। रिया का घंटा सरप्लस आएगा, वो तो सबसे कम है, 10000 और 10000, कोई सरप्लस नहीं मिला। तस्मिया का आएगा सरप्लस, बिचारी लगाई है 6000, बिचारी लगाई है 6000, लगाना चाहिए था कितना? आया ना सरप्लस। तो जो सबसे छोटा है उसी को बेस मानना पड़ेगा। यहां तक समझा? समझा ना, यहां तक समझा? हाँ भैया, गुड मॉर्निंग बोलिए। अब हम लोग यहां तक करने के बाद, इसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो अभी हमारा सरप्लस कैपिटल किस किस का आया सर? रिम्मी और सिम्मी का आया, ये पहला पड़ाव हो गया वर्किंग का। अब देखो बेटा वापस से पीएसआर लिख लो। क्या लिख लो? वापस से पीएसआर। पीएसआर कितना कितना है सर? पीएसआर कितना कितना है सर? 5:3:2 है ना पीएसआर? तो पीएसआर है सर 5:3:2। पीएसआर है 5:3:2। PSR है 5:3:2, ठीक है? चलो अब सरप्लस कैपिटल था 15000 और डैश, राइट। और उसके बाद PSR वापस लिख दिया कितना? 5:3:2। अब आपको लिखना होगा नीचे बेस सरप्लस। क्या लिखोगे सर? बेस सरप्लस। बेस सरप्लस, अभी बेस सरप्लस कैसे निकलता सुन लो। तुम्हारा 15000 का सरप्लस कैपिटल था और रेशियो कितना था तेरा? मतलब हर पांच हिस्से के लिए तेरा सरप्लस कैपिटल 15000 था, हर पांच हिस्से के लिए तेरा सरप्लस कैपिटल, तो हर एक हिस्से के लिए कितना आएगा? निकल जाएगा ना। पांच हिस्से के लिए तेरा सरप्लस कैपिटल 15000, तो हर एक हिस्से के लिए कितना आएगा? 3000। डिवाइड कर दिया तो सर डिवाइड कर लो, 3000 पहले वाले का आ जाएगा बेस सरप्लस। कैसे आया सर? रिलेटिव कैपिटल डिवाइडेड, सॉरी सरप्लस कैपिटल डिवाइडेड बाय पीएसआर। फॉर्मूला लिख लो, सरप्लस कैपिटल डिवाइडेड बाय पीएसआर। सरप्लस कैपिटल डिवाइडेड बाय पीएसआर। फिर इसके बाद दूसरे वाले का 15000 × 3 कितना आएगा? 5000। लास्ट वाले का तो कुछ आएगा ही नहीं, लास्ट वाले का तो कुछ आएगा ही नहीं। हो गया बेस सरप्लस। समझा क्या क्या? सरप्लस कैपिटल तक तुम लोगों को वापस बना के दिखाया था, उसके बाद पीएसआर और फिर बेस सरप्लस। मैं बोलो सुनो ना, एक बार इसी में एक बार वापस करें, इसमें ये वाला रिया वाला दृष्टि वाला, यहां पे वापस से सरप्लस के बाद क्या करूंगा मैं, प्रैक्टिस हो जाएगा दो बार। नीचे क्या लिखूंगा? पीएसआर। याद है क्या था? 5:4:2 था। तो अब क्या लिखेंगे इसके नीचे? बेस सरप्लस लिखेंगे ना। कैसे आएगा बोलो? 7:500 / 5। तो दृष्टि का आ जाएगा 1500, है ना। रिया का तो कुछ आएगा नहीं, तस्मिया का आएगा तो कितना आएगा? 1000/2 कितना आ जाएगा? आ गया। इसमें भी मैं चल रहा हूं साथ साथ, भले तुम लोग करो नहीं समझ जाओ खाली। आ गया, ये आ गया बेस सरप्लस। क्या आ गया? चलो मेरे इस एग्जांपल में बेस सरप्लस वापस से आ जाता है। कितना कितना है बेस सरप्लस आया? अब वापस से एक चीज बताओ, इस बेस कैपिटल में तुम सबसे छोटा वाला लिया था, तो इस बेस सरप्लस में सबसे छोटा ले लो। किसका सबसे छोटा है? रिम्मी का सबसे छोटा है ना सिम्मी का?
तो रिम्मी को गोल कर लो, जिसका सबसे छोटा उसको गोल कर लो। कर लिया गोल, कर लिया। अब याद करो तुमने क्या किया था, याद है? जिसका सबसे छोटा था यहां पे रिलेटिव कैपिटल 3000, उसको सबसे मल्टीप्लाई कर दिया था। यहां पे तो वही करना है, इस 3000 को किससे मल्टीप्लाई करेगा? 5 से। इस 3000 को किससे मल्टीप्लाई करेगा? 3 से। और इस 3000 को किससे मल्टीप्लाई करेगा? कर दे तो उसको बोलते हैं सर लिख लो फटाफट रिलेटिव सरप्लस। क्या लिखेगा? रिलेटिव सरप्लस। जिसका हो गया मतलब राखी का हो गया, राखी का उसका कुछ नहीं करेगा, तो डैश ही हो जाएगा, कुछ नहीं करेगा, फायदा नहीं। राखी करके फायदा नहीं है, गलत है। 3000 × 5 कितना हो गया? हो गया ना। फिर उसके बाद 3000 × 3 कितना हो रहा है? 3000 × 3 9000। श्योर एकदम? और लास्ट वाले का तो कुछ करके कुछ सेंस नहीं है, ठीक है? लास्ट वाले करके कुछ सेंस है तो डैश हो चुका है। जो पहले उड़ चुका है ना उसको उड़ा दो, कुछ करने का जरूरत नहीं है। जो पहले उड़ चुका है उसको उड़ा दो। हो गया। अब लास्ट स्टेप खत्म सर, लास्ट स्टेप और सम्स खत्म। सरप्लस कैपिटल कितना था? 15000। और इसका रिलेटिव सरप्लस कितना है? दोनों का बराबर हो गया। 15000 − 15000 क्या हो जाएगा? डैश। इसका 15000 लगाना चाहिए, लगाई है, मगर लगाना कितना चाहिए था? एक्स्ट्रा है तो कितना एक्स्ट्रा है? 6000। और लास्ट वाले का डैश। तो लास्ट स्टेप में क्या किया लिख लो, सरप्लस कैपिटल माइनस रिलेटिव सरप्लस। इसको बोलते हैं क्या सर? इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट सरप्लस। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट सरप्लस। लास्ट वाला लाइन को बोलते हैं एब्सोल्यूट सरप्लस, जो मेरा स्टेबल का नाम था। ये देखो एब्सोल्यूट सरप्लस। तो लास्ट स्टेप यही है। एक बार ये करने के बाद एक बार वापस उसमें चलेंगे दृष्टि तस्मिया वाले में, ठीक है? एक बार वापस से दृष्टि तस्मिया वाले में चलेंगे। हाँ आओ, ये हो गया क्या? एक बार इधर देखो, हाँ इसमें एक बार वापस आए। चलो बेस सरप्लस आ गया, तो कितना कितना बेस सरप्लस आया। तो अब किस कौन किसका सबसे छोटा है? दृष्टि का ना तस्मिया का। सर्कल कर लो 500। अब क्या करना है? जो सबसे छोटा है 500, इसको दृष्टि से भी मल्टीप्लाई कर लो। रिया तो रिया का तो हटाई दो। 500 × 5 को क्या बोलते हैं? रिलेटिव सरप्लस। क्या बोलते हैं? 500 × 5 कितना हो जाएगा? 500। रिया का तो करने का जरूरत नहीं है। 500 × 2 कितना हो जाएगा? हो गया। अब एक चीज देखो कि क्या होगा। देखो दृष्टि का कितना बचा चेक करो, 7500 यहां पे था और 2500 यहां पे, कितना बचेगा? 5000 बच जाएगा दृष्टि का। रिया का तो कुछ नहीं बचेगा, तस्मिया का भी डैश हो जाएगा। तो लास्ट स्टेप में पता सिर्फ एक ही का बचेगा। पहले स्टेप में 2 का बच जाता है और लास्ट स्टेप में किसका बच जाता है? यहाँ पे देखो किसका किसका बचा था। शुरुआत में यहाँ पे सरप्लस कैपिटल किस किस का बचा था? रिम्मी और राखी तो पहले ही बाहर हो गई। उसके बाद यहाँ पे किस किस का बचा? खाली और खाली सिम्मी का, राइट? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, मगर 2 बार प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। एक बार देखो, मैं अपने मन से एक बार फिर किसी का भी दिखा देता हूँ, ठीक है? यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी तो अपना सम्स बाकी पड़ा है, पर यही सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बार देखो क्या है। मान लेते 3 पार्टनर है, 10000, 6000 और 4000, ठीक है? रेशियो एक बार 2:2:1 ले लू, है ना? तो सर ये था कैपिटल, ये था पीएसआर था ना, ये था कैपिटल, ये क्या था सर? पीएसआर। अब बेस कैपिटल निकालना पड़ेगा। कैसे कर निकालेगा? याद है क्या? 10000 × 2 कितना हो गया? 6000 × 2 4000 × 1। अब किसका सबसे छोटा है? 3। ए का, बी का, सी का, बी का। तो 3000 से बेसिस पे रिलेटिव कैपिटल निकाल ले। 3000 × 2 कितना हो गया? फिर 3000 × 2 और 3000 × 1 कितना हो गया? अब क्या निकल जाएगा सर? बेस कैपिटल, रिलेटिव कैपिटल। अब क्या निकलेगा बोलो? सरप्लस कैपिटल निकलेगा। तो सरप्लस कैपिटल 10000 लगाया है, लगाना कितना चाहिए था? कितना एक्स्ट्रा लगा दिया? और जिसको तुम ये गोल किया है ना, उसका तो कुछ नहीं बचेगा हमेशा। 6000 माइनस उसका हमेशा फिक्स है। जिसको गोल कर दिया ना, उसका कुछ नहीं बचेगा। लास्ट वाले का 4000 − 3000 कितना बच जाएगा? यह क्या? सरप्लस कैपिटल। क्लियर? अब पीएसआर वापस लिख लो 2:2। इसको तो लिखने का जरूरत ही नहीं, हालांकि फिर भी इसको हटा दो, हटा दो कहानी से। 2:2 है ना। अब वापस से निकाल लो बेस सरप्लस। क्या निकाल लो? 4000 × 2 कितना हो गया? 1000 × 1 कितना बच जाएगा? किसका छोटा है? 1000। इसको मल्टीप्लाई कर लो। 1000 रिलेटिव सरप्लस। क्या बोला? रिलेटिव सरप्लस है ना। रिलेटिव सरप्लस मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हो। 1000 × 2 कितना हो गया? और 1000 × 1
जिसको गोल किया पक्का उसका कुछ नहीं बचेगा। कैसे, ये देखो 4000 माइनस 2000 बचेगा तो इसका, और इसका कुछ नहीं बचेगा 1000 माइनस, तो किसका लास्ट में बचा? समझा मेरा बात? समझा, मैं बोल रहा हूं सुनो, दृष्टि आप और तस्मिया आप एक एक और करोगे तब जाके समझ में आएगा ये, ठीक है। 40,000 तुम लोग करना कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है, दो मिनट के लिए। हाँ 40,000, 30,000 और 20,000, ठीक है। रेशियो है 5:3:2, करके दिखाओ जल्दी से, मैं पॉज कर देता हूं तब तक। तो अब क्या होगा, देखो अब क्या होगा, समझो बात को। मेरे लास्ट लाइन में एब्सोल्यूट सरप्लस किसका आया है? सिम्मी का आया है क्या? 6000। तो इस लाइन का मतलब होता है, नीचे लाइन का मतलब होता है, शुरुआत का जो भी पैसा रहेगा ना, जितना भी पैसा बचा हुआ है, मेरे एग्जांपल में एक बार चेक करके बताएगा कितना पैसा बचा हुआ है, 27,400 बचा हुआ है, तो उसमें से शुरुआत का 6000 दे दो सिम्मी को, ठीक है, उसमें से शुरुआत का 6000 दे दो। उसके बाद ठीक इसके ऊपर लाइन में क्या बचा हुआ है, 15000 और 9000 दिख रहा है तुम लोग को, इसके ठीक ऊपर लाइन में 15-9 बचा हुआ है, तो इसका मतलब सिम्मी को देने के बाद, सिम्मी को देने के बाद 15000 रिम्मी को और 9000 किसको देना है, सिम्मी को, यानी 24000 नेक्स्ट 24 ही तो हो रहा है, 15-9 कितना होता है, तो अगला 24000 इन दोनों को देना है, 15 उसको 9 उसको, ये बात याद रखना, ठीक है। एक मिनट पहले यहां तक करते हैं। सबसे पहले मैंने बोला अप टू 27,400 में सबसे पहले शुरुआत का 6000 किसको देना है, सिम्मी को देना है। तो मेरा लास्ट लाइन देखो ना, ये रहा, ये रहा लास्ट लाइन 6000 है ना, ये वाला, ये किसको देना है? तो मैं क्या बोल रहा हूं, सबसे पहले 6000 सिम्मी को दे दो, यहां पे जगह यहां पे अपने ऐसे बचा लेते हैं, मेरे पास तीन ही जन है ना, तो मैं यहीं पे तीनों का बना लेता हूं, बाकी तो बनाने का जरूरत नहीं है ना, रिम्मी का, सिम्मी का और राखी है ना, रिम्मी सिम्मी और मैं उसी में कंटिन्यू कर रहा हूं, तुम लोग अलग से मत बन, तुम्हें तो जगह होगा। चलो 27,400 बचा हुआ है, तो उसमें से शुरुआत का 6000 दे रहा हूं, पहले किसको दे रहा हूं, दे दिया क्या? हाँ सर दे दिया, हाँ सर दे दिया। अब पैसा कितना बच गया ये बताओ मेरे को, 21,400 बचा ना। अरे भाई 27,400 था, नियम अनुसार पहला 6000 किसको देना है, सिम्मी को, दे दिया। तो अब मेरे पास जो पैसा बचा हुआ बैलेंस अभी भी तो बच गया, कितना बच गया, 21,400। अब सुनो प्लीज, अब देने के लिए पहले चेक करो बचा कितना कितना है, रिम्मी का कितना बचा हुआ है, 30,000 है ना रिम्मी का, रिम्मी का 30 का 30 ही पड़ा रहेगा अभी तक, तो कुछ नहीं दिया। सिम्मी को कितना दिया सर, सिम्मी का था कितना, और था कितना, 24 था, 6 दे दिया, कितना बचा, और राखी का क्या पोजीशन है, 6। तो इसका मतलब सर शुरुआत का 6000 इसको दे दिया। अब मेरे पास ऊपर में 15000 और 9000 था, याद तो था, तो टोटल कितना हो रहा है, 24000। लेकिन भाई मेरे पास देने के लिए 24 नहीं है, अभी कितना बचा हुआ है देने के लिए, अभी फिलहाल बैलेंस गड़बड़ हो गया ना, मेरे को टोटल 15 और 9 24 देना है वो लोग को, है ना। टोटल एक बार यहाँ पे देखो, मैं दिखा रहा हूँ, टोटल देना है 15,000 और 9,000, राइट, कितना हो रहा है, मतलब सर काश मेरे पास यहाँ पे 24 होता, काश तो 15 और 9 वापस दोनों को दे देता, काश होता, काश है नहीं ना मेरे पास, कमी पड़ गया ना पैसे का, 24,000 है नहीं मेरे पास, है खाली कितना, 21,000। कोई बात नहीं, उतना तो दे, कितना कितना दे पता है सर, क्या इसको पूरा 30 दे, नहीं भाई इसको 15, इसको 9 देना था ना, तो एक काम करो ना, 21,400 को बांट दो रेशियो में, कौन सा रेशियो में, 15:9 के रेशियो में, क्योंकि 15,000 9,000 देना है ना, 15,000 9,000 देना था ना, तो तुम तो 15,900 दे नहीं पाएगा, तीनों को नहीं देने, क्यों देगा तीनों को, मेरा लाइन नहीं समझा, ये देखो सबसे पहले 6 इसको देगा, उसके बाद ये जो ऊपर लाइन है वही देखना पड़ता है, ऊपर में लाइन कितना कितना है, 15 और 9, तो पहले वापस रिम्मी और सिम्मी को मिलेगा 15 और 9, मगर मेरे पास 15 और 9 देने के लिए है नहीं, मेरे पास देने के लिए खाली कितना है अभी फिलहाल, 21,400। कोई बात नहीं, इस रेशियो में तो दे सकते हैं ना, 15 और 9 का रेशियो में दे सकते हैं, बांट के बताओ 21,400 × 15/24 1,3375 किसको दे दू, ये दे दो
और उसका कितना आ जाएगा 8025। राखी को भी तो कुछ दिए हैं क्या? नहीं दिए ना। अब एक मिनट, मैंने क्या 24 पूरा दे दिया था? 24 सर पूरा दिया था क्या? सोच के बताओ तो। नहीं, कितना दिया था? वेरी गुड, इतना दिया है तो दिमाग मेरे पास है, कुछ देना बाकी है, कुछ देना ठीक है। अभी रिम्मी का कितना पैसा बचा हो चेक कर लो तो, रिम्मी का कितना पैसा बचा हो चेक कर लो तो। सिम्मी का, राखी का, ठीक है। मैंने अभी तक 24,000 पूरा नहीं बांटा, खाली कितना 21,400, यानी अभी भी देना बाकी है, अभी भी देना इन दोनों को बाकी है ना। कितना देना बाकी है बता सकता है क्या? 24 में से चला गया, कितना देना बाकी है? यानी अब जो पैसा आएगा ना उसमें से वापस पहले 2600 इन लोग को दूंगा मैं, क्योंकि लोग का हिसाब होना बाकी है। अभी जो वापस पैसा आएगा उसमें से इन लोग को दूंगा, पहले कितना दूंगा 2600। अभी नेक्स्ट रिलेशन कितने का हो रहा है देखो तो, मेरा रिलेशन यहां तक हो गया था ना, मेरे पास अब फोर्थ रिलेशन कितने का, ये 13,000 का है ना। थर्ड रिलेशन तो हो गया था, फोर्थ रिलेशन कितने का है? 13,000 का है। तो माई डियर स्टूडेंट सुनो प्लीज, 13,000 का रिलेशन हुआ है मैं जानता हूं, लेशन कितने का हुआ है, बट मैं इस 13,000 को ऐसे डायरेक्ट नहीं दूंगा, उन लोगों को कितना देना बाकी है ना। तो देयरफॉर इसको अलग कर लो, फर्स्ट 2600 किसको देना पड़ेगा अभी भी, रिम्मी और सिम्मी को। किस रेशियो में पता है तुम लोग को, किस रेशियो में? 15:9। और अगर ये याद नहीं रहे ना तो इनका एक्चुअल रेशियो ही होता है, काट के देखो एक्चुअल रेशियो ही आता है, 5:3 था शायद, तो 15:9 का मन नहीं भी है ना, एक्चुअल रेशियो हमेशा वही आएगा। तो 2600 को 15:9 या 5:3 में बांट दो, वो लोग का हिसाब क्लियर हो जाएगा, कितना बच जाएगा, कितना कितना बटेगा, 1625 रिम्मी को और सिम्मी को, सिम्मी को मिलेगा 975। श्योर? अभी तक राखी को कुछ भी नहीं दिया हम लोग, अभी तक राखी को कुछ भी नहीं दिया हम लोग, तो रिम्मी का क्या बच जाएगा, पंद्रह हजार क्या, और सिम्मी का क्या बच जाएगा, और राखी का क्या बच जाएगा बच्चा? अच्छा एक चीज बताओ मेरे को, ये हो गया, मेरे को मिला कितना था अभी तक, बांटा कितना, ये 26 में क्यों बांटा समझा, क्यों? क्योंकि मेरे को सेकंड में 24 देना था टोटल, मगर मैं दे कितना पाया, केवल 21,400 दे पाया, 2600 बच गया वो पहले इसमें से दिया, अभी तो बच गया पैसा, कितना बच गया 13,000 मिला है, मगर बांटा कितना है, अब कितना बच गया, तो बैलेंस जो बच गया 10,400 समझा ना, नेक्स्ट 10,400 जो बचा हुआ है। सर ये किसमें बांटे पता है, तुमने ये दोनों लाइन चेक कर लिया क्या, ऊपर का ये दोनों लाइन हो गया नीचे और ये चेक कर लिया, तो अब इसके बाद जो पैसा बच जाएगा ना वो वापस तीनों बटेगा रेशियो में, मतलब ये जो बचा हुआ तेरे पास पैसा कितना बचा हुआ 10,000, ये तीनों में बांट दो उनका रेशियो में, 5:3:2 में तीनों में बांट दो उनका रेशियो में 5,200 राइट। अब जो पैसा बच जाएगा वो रेशियो में बढ़ जाता है 5,200 और 3,120 गलत लग रहा है क्या, श्योर है क्या ये लाइन 10 सही है, क्या बच रहा है बच कहाँ, ये जो सबका तो कुछ ना कुछ बच जाएगा ना, अच्छा हाँ वैसे बच गया, क्या बच जाएगा इसका, बच गया 9,800। हाँ हो गया, दो मिनट, हेलो दो मिनट, कितना हो गया 9,800 हाँ 9,800 इसका बच जाएगा, 5,880 इसका बच जाएगा, 3,920 उसका बच जाएगा, यस और नो, समझा मेरा बात, 3,920 उसका, ये लॉस हो गया, क्या हो गया, इतना तो बांट नहीं पा रहे तो ये लॉस हो गया, ये हो गया लॉस। सुनो मेरा बात, इस क्वेश्चन को अभी वापस से एक बार पहले देखो फिर बनाओ, ट्रस्ट मी, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, अभी करो दृष्टि, अभी करो ठीक है, इस प्रॉब्लम को अभी करो, और तुम लोग अभी इसको देखेगा, हम तुम लोग को एक नया दे रहा है, समझा मेरा, तुम लोग इसी को देखो पहले दोनों जन, समझा,
ठीक है, इस तरह से होता है। कौन सा मेथड? हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। हाँ, इस तरह से होगा हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। इस तरह से होगा हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड।